आज मैं आपके साथ तीन केक प्रीमिक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, मैं पूनम आपके अपने क्रेव किचन में स्वागत करती हूँ। प्रीमिक्स बनाते हुए मैं आपके साथ बहुत सारे केक बनाने के टिप्स शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो ये बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ बातें समझनी होंगी, जैसे कि मेजरमेंट है। मेजरमेंट जो है केक के लिए बहुत ही प्रॉपर होता है। तो मार्केट में इस तरह से कप्स मिलते हैं मेजरमेंट के, ये देखिए, ये वन कप होता है, हाफ, साथ में वन थर्ड है, वन फोर्थ है। इसी के साथ इस तरह से स्पून्स मिलते हैं। तो अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपका जो केक है वो बहुत ही स्पॉन्जी और सॉफ्ट बन जाएगा। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि हमने जब मेजर करना होता है, जैसे हम अगर समझो एक कटोरी ले रहे हैं कोई चीज़, समझो ये देखिए ये मैदा मैंने मेजरमेंट करके रखा हुआ है, तो ये अगर हम ले रहे हैं तो इसे हम कैसे मेजर करेंगे। ये देखिए जैसे हमने इसमें डाल दिया है ना, तो ये इस तरह से नहीं लेना है, हमने ये लेते टाइम हमने इसे इस तरह से फ्लैट करना है और फिर ही हमने कोई मेजरमेंट कर लेनी है चीज़। यानी कि पूरे ऊपर तक भरे हुए नहीं होने चाहिए। इस तरह से कोई भी आप मेजरमेंट लोगे, कप का लोगे, स्पून का लोगे, ये इस तरह से फ्लैट होना चाहिए। चलिए हम सबसे पहला जो प्रीमिक्स है हमारा वेनिला केक का, वो शुरू करते हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप मैंने पाउडर शुगर ली है, नॉर्मल जो हमारी चाय और कॉफ़ी में हम यूज़ करते हैं शक्कर, उसे मैंने मिक्सर में पीस लिया था, और वो 1 कप मैंने लिया है। ये मिल्क पाउडर है, ये मैंने 1/3 कप लिया है। साथ ही में यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा लिया है, ये 1/2 टीस्पून है। बेकिंग पाउडर हमने लिया है 1.5 टीस्पून। ये साइट्रिक एसिड है, इसे नींबू का फूल भी कहते हैं। हम यहाँ पर एगलेस केक बना रहे हैं तो साइट्रिक एसिड इसमें डालना जरूरी है। इसे छोड़ के आप अगर केक का मिक्सचर बनाओगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा, तो ये डालना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी किराना शॉप में, मेडिकल स्टोर में, कहीं भी आपको ये मिल जाएगा आसानी से। इसे नींबू का फूल भी कहते हैं। यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून लिया है नमक, ये हमारा वेनिला पाउडर है। फ्रेंड्स हम प्रीमिक्स बना रहे हैं तो इसमें हम एसेंस का यूज़, लिक्विड एसेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। बनाते हुए जब आप मिक्सचर मिक्स करोगे उस टाइम पे आप वेनिला एसेंस यूज़ कर सकते हो, बट आज मैं आपको एक रेसिपी बताऊंगी जिसे आराम से आप ये वेनिला पाउडर घर पे बना सकते हो। तो मैं आपको ये सारा इन्ग्रीडियंट्स बताने के बाद इसकी रेसिपी पहले बताऊंगी। ये हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है वेनिला फ्लेवर का, ये 1 टेबलस्पून लिया है। साथ ही में 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कॉर्नफ्लावर लिया है। तो चलिए अपनी रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वेनिला पाउडर बना लेते हैं। क्या होता है ना, इजीली अवेलेबल नहीं होता है ये जो वेनिला पाउडर है, हर जगह इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो मैंने इसका एक दूसरा ऑप्शन निकाला है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून और साथ में 1 और टेबलस्पून ले रही हूँ, यानी मैं 2 टेबलस्पून यहाँ पर पीसी हुई जो शक्कर है, नॉर्मल अपनी शक्कर जो है उसे पीस के मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून डाले बड़े वाले चम्मच। इसी में अब हम डाल देंगे वेनिला एसेंस, इस तरह से जो लिक्विड एसेंस आता है मार्केट में, ये हम इसमें डालेंगे। तो इसमें मैं 1 टीस्पून जो है वो वेनिला एसेंस का डाल दूंगी और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से ही करते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स होगा। और इसे हम फैन के नीचे सूखने के लिए रख देंगे। 1 दिन में ये 2 से 4 घंटे में ही ये सूख जाता है, पर 1 दिन के लिए आप इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए फैन के नीचे और ये सूख जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा मिक्सर में इसे घुमा लीजिए। तो मैंने पहले से उसे बना के रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि सूखने के बाद वो कैसे दिखता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सूखने के बाद इस तरह से मिक्सर में मैंने इसे पीस के छान लिया था, तो ये इस तरह से पाउडर बन गया है। इसे हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, ये खराब नहीं होता है, तो ये आज हम यूज करेंगे। तो चलिए अब हम अपने वेनिला प्रीमिक्स को मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक मिक्सर का जार ले लिया है और हम सारी चीजें जो हमने ली हैं, जैसे सबसे पहले हम ये मैदा डाल देते हैं इसमें, इसी में हम डाल देंगे पीसी हुई चीनी जो हमने ली है, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे वेनिला कस्टर्ड पाउडर, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक,
साइट्रिक एसिड, और ये जो वेनिला पाउडर हमने बनाया है वो भी हम इसमें ऐड कर दे हैं। हमने इसमें सिर्फ मिल्क पाउडर है वो नहीं डाला है, उसे हम छानते वक्त मिक्स करेंगे, क्योंकि क्या होता है अगर हम इसमें पीसेंगे इसे, ये गर्म हो जाता है मिक्सर का बर्तन, जिसके वजह से मिल्क पाउडर जो है वो लम्स फॉर्म हो सकते हैं उसमें। तो चलिए इसे पहले हम एक बार पीस लेते हैं और फिर सारी चीज़ों को हम एक साथ छान लेंगे। तो दोस्तों सारी चीज़ों को मैंने एक बार मिक्सर में अच्छे से घुमा लिया है, अब हम ये सारी चीज़ों को छान लेंगे, क्योंकि छानना बहुत ही जरूरी है, जिसके वजह से हमारा जो केक है वो स्पॉन्जी और फ्लफी बनता है। इसे हमने दो बार छानना है फ्रेंड्स, और इसमें अब हम छानते हुए साथ में जो मिल्क पाउडर हमने लिया था वो हम इस टाइम डाल देंगे इसमें और इसे छान लेंगे। तो दूसरी बार फिर से हम सारी चीजों को एक साथ छान लेते हैं। और एक टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी फ्रेंड्स, अगर आप ये बनाने के बाद इसे फ्रिज में स्टोर करते हो तो आपने फ्रिज में से निकाल के इसे तुरंत नहीं बनाना है, क्योंकि केक बनाने के लिए बेकिंग में जो भी चीजें यूज होती हैं वो सारी रूम टेम्परेचर की होनी चाहिए। तो ये देखिए हमने इसे दूसरी बार अच्छे से छान लिया है। तो यहाँ हमारा जो वेनिला का प्रीमिक्स है वो रेडी हो गया है। चॉकलेट प्रीमिक्स के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप लिया है मैदा, रिफाइंड फ्लोर जिसे कहते हैं, 1 कप पिसी हुई शक्कर, 1.5 कप हमने लिया है बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच हमने बेकिंग सोडा लिया है, 1/3 कप हमने लिया है मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड, यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के लिए है, और ये जो है ये कोको पाउडर है ये 1/4 कप, और उसी के साथ हमने 1 टेबलस्पून लिया है, यानी कि ये छोटा वाला जो 1/4 कप होता है उसके साथ मैंने एक ये बड़ा चम्मच भर के लिया है। तो चलिए इसे भी हम मिक्स करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो हमने वही वाला मिक्सर जार ले लिया है जिसमें हमने वेनिला का बनाया था मिक्स। तो इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले मैदा, पीसी हुई शक्कर, साइट्रिक एसिड, नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लावर, साथ ही में हम इसमें कोको पाउडर भी ऐड कर देते हैं। हमने यहां पर भी सिर्फ मिल्क पाउडर नहीं ऐड किया, कारण वही है जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। तो चलिए इन सारी चीजों को हम एक बार अच्छे से घुमा लें। तो अच्छे से हमने सारी चीजों को घुमा लिया है मिक्सर में और ये अच्छे मिक्स हो गया है, और बस अभी हम इसे फिर से अब हम छान लेंगे। तो हम ले लेते हैं छाननी और इसे भी हम दो बार अच्छे से छान लेंगे ताकि सारी चीजें जो हैं अच्छे से मिक्स हो जाए। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर, इस स्टेप को फ्रेंड्स आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये छानने के वजह से सारी चीजें अच्छी मिक्स तो होती ही हैं, साथ में इसमें एयर भरती है जिससे हमारा जो केक है वो सॉफ्ट और फ्लफी बनता है। और इसे सेकेंड टाइम फिर से छान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप इसमें वेनिला पाउडर जो हमने बनाया है वो भी डालना चाहो तो इसमें डाल सकते हो। वैसे तो ये चॉकलेट केक है तो कोको का अलग से अपना फ्लेवर होता है, बट अगर डालना चाहो तो इस तरह से 1 टेबलस्पून आप इसमें वेनिला पाउडर जो हमने घर में बनाया है वो हम डाल सकते हैं। तो सारे बैटर को हमने इस तरह से छान लिया है और हमारा चॉकलेट का प्रीमिक्स जो है रेडी हो गया है। रेड वेलवेट प्रीमिक्स के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप लिया है मैदा, 1 कप पीसी हुई शक्कर, 1/3 कप यहाँ पर मिल्क पाउडर लिया है मैंने, 1/4 टीस्पून यहाँ पर हमने लिया है नमक का, 1/4 टीस्पून ही साइट्रिक एसिड है, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, 1.5 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर का लिया है, ये हमने वेनिला पाउडर लिया है ये 1 टेबलस्पून है, 1 टेबलस्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर है, 1 टेबलस्पून ही यहाँ पर कस्टर्ड पाउडर है वेनिला फ्लेवर वाला, 1 टेबलस्पून यहाँ पर हमने कोको पाउडर लिया है, और यहाँ पर हमने फूड कलर लिए हैं फ्रेंड्स जो रेड वेलवेट केक बनाने के लिए यूज होते हैं। तो ये मैंने 1 चम्मच रेड कलर का लिया है, पाउडर कलर है, साथ ही में यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जो है येलो कलर लिया है जो ये रेड कलर को बहुत ज्यादा अच्छे से एनहेंस करेगा। तो चलिए अपने प्रीमिक्स को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मिक्सर जार में हम डाल देंगे मैदा,
इसमें हम डाल देंगे पाउडर शुगर, कोको पाउडर, वैनिला पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लावर, कस्टर्ड पाउडर, साइट्रिक एसिड, नमक, रेड वाला फूड कलर, साथ ही में येलो फूड कलर, मिल्क पाउडर जो है वो बाद में डालेंगे छानते हुए। तो चलिए इन सारी चीजों को हम एक बार घुमा लेते हैं मिक्सर में। तो इसे भी हमने पीस लिया है, तो हम इसे भी छान लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है इसका। और जब इसमें हम लिक्विड मिक्स करेंगे ना केक बनाने के लिए, तब ये पूरा रेड कलर का हो जाएगा। तो साथ ही में हम इसमें मिल्क पाउडर जो है वो डाल देते हैं और छान लेते हैं इसे। तो इस प्रीमिक्स को भी हम दो बार छानेंगे, अच्छे से छान लेंगे। तीनों प्रीमिक्स रेडी हो गए हैं। इन्हें आप एयर टाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में डालकर 6 महीने तक स्टोर कर सकते हो। प्रीमिक्स से केक बनाने के लिए अगर आप 1 कप प्रीमिक्स का लेते हो तो आपको उसमें 1/4 कप अनफ्लेवर्ड ऑयल डालना है। और हमने प्रीमिक्स बनाते हुए मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, तो इस केक में हम पानी का यूज़ करेंगे। तो आपको 1/3 कप के करीब पानी डाल के बैटर को तैयार करना है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्ड मेजरमेंट और मेथड दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह के और प्रीमिक्स मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है रेसिपीज, तो मैं सभी अपनी जो प्रीमिक्स की रेसिपीज हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो आप एक बार उन्हें भी जरूर देखिएगा। और आपको मेरी आज के केक प्रीमिक्स की रेसिपी कैसे लगी है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स बेल बटन को जरूर दबाना, जिससे आपको मेरी अगली रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।